नमस्कार, संगीताअग्रवाल.com पर आपका स्वागत है। आइए आज हम दूध से मलाई पेड़ा बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक नॉनस्टिक कढ़ाई में 2 गिलास फुल क्रीम दूध करेंगे और इसे उबाल लगा लेंगे। जब तक दूध में उबाल आता है तब तक हम एक कटोरी में 1.5 छोटी चम्मच अरारोट करेंगे। अगर आपके पास अरारोट नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसका घोल बना लेंगे। इसका घोल थोड़ा पतला ही बनाना है। दूध में उबाल आ चुका है, अब हम इसे लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर दूध को आधा होने तक पकाएंगे। दूध पकते पकते आधा हो चुका है, अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी डाल करके इसे मिक्स करेंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच विनेगर डाल करके दूध को फाड़ेंगे। अगर आपका दूध 1 चम्मच विनेगर से नहीं फटता है तो आप इसमें 1 चम्मच विनेगर और डाल सकते हैं। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसे नींबू से या दही से भी फाड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ दूध फट चुका है। अब हम इसमें अरारोट वाला करके इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अरारोट को दूध में डालने से पहले इसे एक बार चम्मच से अच्छे से हिला लें। हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कि ये कढ़ाई की तली न छोड़ने लगे। दूध पकते पकते गाढ़ा हो चुका है, इसने पैन की तली को छोड़ना शुरू कर दिया है और ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारा पेस्ट बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब हम हाथों पर थोड़ी सी चिकनाई लगाएंगे और इसे हल्के हाथों से मैश करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पेस्ट हाथ में लेकर के इसे इस तरीके से गोल करेंगे और दूसरे हाथ पर रख करके इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे और फिर इसको बीच में से हल्का सा दबा देंगे और इसके बीच में बारीक कटा हरा पिस्ता लगाएंगे। हमारा पेड़ा तैयार है और अब हम इसी तरीके से बाकी बचे हुए पेस्ट के पेड़े बना लेंगे। लीजिए, हमारे मलाई पेड़े तैयार हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।